ये हमारे पास पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन की कोड है, यानी कि हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है और उसको हम क्या करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये कह रहा है कंसिडर बिलो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, OP1, OP2, ए जो है वो OP1 है, बी जो है वो OP2 है और सी जो है वो OP3 है। OP से मुराद आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि ऑपरेंड्स, यानी कि ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 3। ये कह रहा है कि इफ ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू प्लस, ऑपरेंड 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय ऑपरेंड 3 इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, अब ये इसको बताना है, थोड़ी सी डिटेल बता रहा है कि इसमें करेगा क्या। कह रहे द कंपाइलर फर्स्ट स्कैन्स द एक्सप्रेशन टू एवेलुएट द एक्सप्रेशन, एवेलुएट द एक्सप्रेशन बी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि सबसे पहले वो क्या करेगा, बी मल्टीप्लाई, तो बी के हमारे पास OP2 और सी के हमारे पास OP3, देन अगेन स्कैन द एक्सप्रेशन टू एड ए टू इट, द रिजल्ट इज देन एडेड टू डी आफ्टर अनदर स्कैन। तो अच्छा ये कह रहा है कि इसमें जो है ना बड़ा उसको मेहनत करनी पड़ रही है, किसको, कंपाइलर को, बार बार वो इस एक्सप्रेशन को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद क्या कर रहा होता है, रिजल्ट जनरेट कर रहा होता है, तो उसको बार बार क्या करना है, क्या करना पड़ रहा है उसको, स्कैन करना पड़ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, एक तरह से वो कह रहा है कि लोड बढ़ रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, द रिपीटेड स्कैनिंग मेक इट वेरी इनएफिशियंट, इट इज बेटर टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स फ्रॉम बिफोर एवेल्युएशन। यानी कि इनफिक्स तो ह्यूमंस के लिए आसान है, लेकिन हमारा कंपाइलर जो है वो खुशी खुशी किसको करता है, वो पोस्ट फिक्स को। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन है तो उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे पोस्ट फिक्स के अंदर। तो पहले हम उसको इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर जो भी हमारे पास हमने उसके ऊपर जो परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये the corresponding expression in postfix from is a b multiplied by plus d plus। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, postfix expression बन रहा है ऊपर वाले उसी को expression का, कि वो क्या कर रहा है, a b c multiplied by plus d plus। देखें सबसे पहले क्या करेगा वो b और c को multiply करेगा, फिर जो भी result आएगा उसको a में add करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, जो भी result होगा उसको d में add कर देगा। ठीक है, यानी कि उसने ये बताया कि डी में ऐड कर देगा, जो इसके एक्सप्रेशन के मुताबिक हमें पता चल रहा है। अब ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, वी विल कवर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एवैल्यूएशन इन अ सेप। अच्छा ये वो एक अलग बात कर रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम इसका देख रहे हैं। तो एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले हमारा एल्गोरिथम क्या करेगा, वो इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेगा, फिर उसके बाद इफ द स्कैन करेक्टर इज एन ऑपरेंड आउटपुट इट। कह रहा है कि अगर तो जो स्कैन करा हुआ करेक्टर है वो हमारे पास एक ऑपरेंड है तो हम उसका आउटपुट निकालेंगे, अगर नहीं तो क्या करेंगे, 3.1 आ गया इस वक्त, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमें थर्ड कंडीशन में जाएंगे, और थर्ड के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, इफ द प्रेसिडेंस ऑफ द स्कैंड ऑपरेटर इज ग्रेटर देन द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर इन द स्टैक, और द स्टैक इज एम्प्टी, और द स्टैक कॉन्टेन ए पुश इट। ठीक है, या कंटेन्स ए बार को क्या करेंगे, उसको पुश कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज एल्स पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू इन प्रेसिडेंस देन दैट ऑफ द स्कैंड ऑपरेटर्स। यानी कि क्या करेगा, पॉप करेगा जितने भी ऑपरेटर्स, नॉट ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स क्या करेगा स्टैक से निकालेगा, और निकालने के बाद क्या करेगा, जो भी उसमें से ग्रेटर और इक्वल है प्रेसिडेंस के हवाले से, देन दैट ऑफ द स्कैंड ऑपरेटर, सबको स्कैन करेगा, आफ्टर डूइंग दैट पुश द स्कैंड ऑपरेटर टू द स्टैक। इसके बाद पे स्कैंड ऑपरेटर जो है ना वो आपके इसके ऊपर रखेगा स्टैक के ऊपर। इफ यू इनकाउंटर पैरेंथेसिस व्हाइल पॉपिंग देन स्टॉप देयर एंड पुश द स्कैंड ऑपरेटर इन द स्टैक। तो वो कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पैरेंथेसिस है तो वो उसको स्टॉप करें और क्या करें, ऑपरेटर को उसकी जगह पे क्या करें, पुश करें स्टैक के ऊपर। इफ द स्कैंड करेक्टर इज एन parenthesis, ये अगर तो जैसे यहाँ पे कह रहा था कि parenthesis है, यहाँ कोई parenthesis है तो उसको क्या कर दो, push it to the stack। अगर तो कोई character हम scan करते हैं और वो parenthesis है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको बिला वजह में भेज देंगे, यानी कि उसका कोई काम नहीं है, उसको हम उठा के स्टैक पे रख देंगे। इफ द स्कैन करेक्टर इज एन क्लोजिंग parenthesis,
क्या करेगा, पॉप द स्टैक एंड आउटपुट इट, ठीक है। तो उसको हम पॉप कर लेंगे वहां से, और हम क्या करेंगे, इसको आउटपुट निकाल देंगे अनटिल आ इज एनकाउंटर। तब तक हम पॉप करते रहेंगे स्टैक में से जब तक के हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिल जाए एंड डिस्कार्डेड बोथ द पैरेंथेसिस, और इन दोनों पैरेंथेसिस हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर जैसे ऊपर बताया उसके अंदर ब्रेसेस तो होती नहीं है। इनफिक्स जो एक्सप्रेशन हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रीड है हुमेन के लिए, तो उसके हिसाब से तो आप इसके अंदर वो आप ब्रेसेस लगा सकते हैं। रिपीट स्टेप 2 to 6 यहां तक, जब तक के अनटिल इनफिक्स एक्सप्रेशन स्कैन, जब तक के आपका एक इनफिक्स का एक्सप्रेशन पूरे के पूरा स्कैन नहीं हो जाता, और प्रिंट कर दें किसको, आउटपुट को, पॉप द आउटपुट फ्रॉम द स्टैक अनटिल इट इज नॉट एम्प्टी। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आप आउटपुट को और पॉप करेंगे और आउटपुट करेंगे फ्रॉम द स्टैक अनटिल इट इज नॉट एम्प्टी, जब तक के वो एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन का कोड है, स्ट्रिंग क्लासेस में यूज की गई है। लेट्स सी, ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखें स्टैक यूज किया। अच्छा, ये जावा का पैकेज है, java.util.stack, java.utility, जावा का पैकेज है, उसके अंदर यूटिलिटी का पैकेज है, उसके अंदर स्टैक का पैकेज है, ठीक है। तो वो इंपोर्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक इंट प्रेसिडेंस करेक्टर सी एच, ठीक है, PREC, आई थिंक सो कि प्रेसिडेंस का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हमने क्या किया, यानी कि इस वाले जो मेथड है जो हमारे पास स्टैटिक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हम करेक्टर रिसीव करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम इसके ऊपर रिटर्न करेंगे। तो ये कह रहा है कि स्विच केस के अंदर हमने सी एच की वैल्यू को पास किया, अगर तो केस प्लस आता है आपके पास या केस माइनस आता है तो क्या करो, रिटर्न कर दो 1, यानी कि इसकी प्रेसिडेंस 1। कह रहा है केस मल्टीप्लाई आता है या केस डिवाइड आता है तो उसको रिटर्न कर दो 2, इसकी प्रेसिडेंस कितनी है 2। फिर कह रहा है कि अगर केस आता है पावर, ठीक है, ये करेक्टर आता है आपके पास तो रिटर्न कर दो 3, एल्स अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो -1, यानी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो था हमारे पास स्विच केस, यानी कि हम यहाँ पे अगर जस्ट सपोज कोई भी करेक्टर देते हैं, जस्ट यहाँ पे मैं देता हूँ 2 दे देता हूँ, तो ये 2 सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे अगर मैं प्लस देता हूँ तो जब मैं अगर मैं प्लस दूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की दे देता हूँ, यानी कि पावर की पावर का साइन दे देता हूँ एक्सपोनेंशियल का, तो वो क्या करेगा, मुझे 3 रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा। लेट्स सी, आगे चलते हैं। अभी कह रहेगा द मेन मेथड दैट कन्वर्ट्स गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास एक मेथड है जो कि क्या करेगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये हमने एक मेथड लिखा है, स्टैटिक स्ट्रिंग मेथड है ये, ठीक है, स्ट्रिंग का मेथड है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो स्ट्रिंग वैल्यू हम यहाँ पे एक लेंगे एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग आएगा, एक स्ट्रिंग आएगा एक हमारे पास। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग क्लास का रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया, इनिशियलाइज एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर रिजल्ट, और हमने क्या किया यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्लास हमने यहाँ पे यूज किए, इसको यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट तो करना चाहिए था, लेकिन दरअसल में जावा यूटिल के अंदर ये बाय डिफॉल्ट होगा, इसीलिए इसने ये नहीं उठाया। फिर हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया एक एम्प्टी स्टैक, तो हमने क्या किया, स्टैक करेक्टर और स्टैक नाम का हमने इस स्टैक का, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया, ये रेफरेंस वेरिएबल है इसका, और न्यू स्टैक हमने बना दिया, ठीक है। हमने क्या किया है, स्टैक क्लास का एक स्टैक वेरिएबल बनाया जो कि रेफरेंस कर रहा है स्टैक क्लास को, और हमने स्टैक क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम जा रहे हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 2 एक्सप्रेशन डॉट लेंथ, जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, एक्सप्रेशन देखें यहाँ पे दिया गया होगा मेन के मेथड के अंदर, ये रहा ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेशन डॉट लेंथ,
वो क्या कर रहा है कि आई से जब तक बड़ी है तो तब तक ये फोर का लूप चलता रहेगा, प्लस प्लस आई। करेक्टर टाइप का हमने एक सी बनाया, एक्सप्रेशन डॉट करेक्टर एट आई, करेक्टर डॉट एट कहाँ है, ये मेरा स्ट्रिंग क्लास का मेथड है कि इसने इसको आई पास किया। ठीक है, करेक्टर बनाया हमने एक सी, और उसको हमने क्या किया, जो भी इस एक्सप्रेशन का करेक्टर है पहला ये वाला, यहां से जो जो एक्सप्रेशन ये आते जा रहे हैं इसके पास, वो उठाएगा और किस में स्टोर कर रहा है, सी में। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ करेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, ये जो करेक्टर हम उठा उठा रहे हैं, ये करेक्टर वो कह रहा है कि इसको ये चेक करने का मेथड है, ये भी स्ट्रिंग क्लास का है। ठीक है, स्ट्रिंग का या स्टैक का मेथड होगा, इसको हम देख सकते हैं। इफ द स्कैन करेक्टर इज एन ऑपरेंड एड इट टू द आउटपुट, ये कह रहा है कि अगर तो जो करेक्टर हम वहां से ले रहे हैं इज लेटर और डिजिट, अगर तो वो कोई लेटर है और डिजिट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, सी। ये हम सी इसको हम पास करेंगे और वो हमें रिटर्न करके बताएगा कि वो क्या है, वो एक लेटर है या वो क्या है, वो कोई डिजिट है। तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस सी, यानी कि सी के अंदर हम एक और ऐड कर देंगे और नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाएंगे। इफ द स्कैन करेक्टर इज एन पैरेंथेसिस, यानी कि पैरेंथेसिस का स्टार्टिंग है, पुश इट टू द स्टैक। देखिए ऊपर वाले को हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, और नीचे वाले को हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास पैरेंथेसिस आ रही है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टैक पे पुश कर देंगे। तो एल्स इफ एस इज इक्वल सी इज इक्वल टू, यानी कि सी में इस वक्त जो भी वैल्यू आई है, अगर तो वो ये ओपनिंग पैरेंथेसिस आई है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश सी। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम स्टैक करके आए, तो हम क्या करेंगे, उस करेक्टर को हम स्टैक पे पुश कर देंगे। इफ द स्कैन करेक्टर इज एन क्लोजिंग पैरेंथेसिस पॉप एंड आउटपुट फ्रॉम द स्टैक, यानी कि अगर अगर तो हमें ये मिल, अगर तो हमारे पास जो स्कैन कर रहे हैं और वो करेक्टर हमारे पास कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पॉप करेंगे स्टैक से और आउटपुट कर देंगे, आउटपुट फ्रॉम द स्टैक अंटिल एन ओपनिंग पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर्ड, यानी कि जब तक कि देखें क्लोजिंग, क्योंकि हम स्टैक के अंदर जो है वो टॉप टू बॉटम चल रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो पहले आएगी और जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है वो बाद में आएगी। अभी कह रहे हैं कि एल्स इफ सी इज इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस, ठीक है ये क्लोजिंग थी, ये ओपनिंग है, तो क्या करो, व्हाइल जब तक स्टैक इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये देखें नॉट इक्वल लगा हुआ है, स्टैक इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी एंड स्टैक डॉट पीक इज नॉट इक्वल टू किसके, ओपनिंग पैरेंथेसिस के, दो बातें कर रहा है ये, एम्परसेंड का जो साइन लगा हुआ है ये एंड की बात कर रहा है और नहीं है, दोनों बातें जब तक पूरी नहीं हो जाती, कौन सी, कि जब तक यहाँ तो स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, यहाँ तो फिर स्टैक का जो पीक है वो इसके बराबर नहीं हो जाता, क्यों, क्योंकि वो ये इसने यहाँ पे ये कहा ना कि जब तक हमें इसकी क्लोजिंग ओपनिंग ब्रेसेस ना मिले उस वक्त तक क्या करो, आप इसको ढूंढते रहो। उसके बाद कह रहा है इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड स्टैक डॉट पीक, सॉरी रिजल्ट इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, तो रिजल्ट को क्या करो, रिजल्ट क्या वापस क्या भेजेंगे हम, रिजल्ट इसका स्टैक डॉट पॉप, यानी कि जो स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम पॉप कर लेंगे, जो भी टॉप पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम पॉप कर लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे वन। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड स्टैक डॉट पीप इज नॉट इक्वल टू, जब तक के इसके बराबर नहीं हो जाता, रिटर्न इनवैलिड एक्सप्रेशन इनवैलिड एक्सप्रेशन, ठीक है ये क्या करेगा, अगर पहले तो वो ये वाली बात कर रहा है, ठीक है तो जब ये मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टैक को उस वाली वैल्यू को पॉप कर लेगा, पहले तो ये हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि अगर स्टैक इज नॉट एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी भी नहीं है,
और स्टैक डॉट पी करने के ऊपर हमें ये नहीं मिल रहा तो रिटर्न कर दो इनवैलिड एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्स स्टैक डॉट पॉप, अदरवाइज क्या करो स्टैक डॉट पॉप कर दो, एल्स अगर नहीं तो एन ऑपरेटर, अगर तो कोई ऑपरेटर आ जाए, ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली वाली बात उसने बोली वाइल, फिर उसने बात करी कि अगर वो भी ना हो तो फिर इफ, वो भी ना हो तो इफ के बाद एल्स, एल्स के बाद नहीं तो फिर ये, अगर हमें करेक्टर ना मिले और ऑपरेंड मिले तो फिर हमें क्या करना है, सॉरी अगर हमें ऑपरेटर मिले करेक्टर ना मिले ये वाला तो फिर हमें क्या करना है, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड प्रेसिडेंस सी। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर टॉप पे आ जाए हमारे पास जो मेथड लिखा हुआ था ये प्रेसिडेंस सी, हमने उस करेक्टर को उसको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, हमने उसको वापस कर दिया, जब तक कि ये छोटा है किससे, प्रेसिडेंस स्टैक डॉट पीक से, स्टैक डॉट पीक की प्रेसिडेंस क्या है, एक तो ये कह रहा है कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी नहीं है, और प्रेसिडेंस सी जो प्रेसिडेंस हमारे पास आई है वो हमने जो ली है वहां से वो ये चीज बड़ी है, प्रेसिडेंस सी जो है, जैसे सपोज यहाँ पे प्रेसिडेंस आती है वन और यहाँ पे आती है प्रेसिडेंस स्टैक डॉट पीक, पीक की जो हमने प्रेसिडेंस दी है वो आ जाती है अगर जैसे सपोज थ्री आ जाती है तो ये बड़ा हो गया ना, तो क्या होगा इफ, जब तक कि ये नहीं होता ये कंडीशन तो खैर चलती रहेगी, अच्छा इफ स्टैक डॉट पीक इज इक्वल टू, अगर तो स्टैक डॉट पीक इक्वल है ओपनिंग ब्रेसिस के, वो तो था क्लोजिंग ब्रेसिस के, यहां पे देखिए ऊपर आया ना थोड़ा, ये जो एल्स इफ ये बता रहा ना क्लोजिंग ब्रेसिस के, सॉरी ये वाला क्लोजिंग ब्रेसिस के, ठीक है, तो दोबारा से अगर वो बात कर रहा है कि अगर स्टैक डॉट पीक हमें मिल जाता है सॉरी ओपनिंग पैरेंथेसिस के तो रिटर्न कर दो इनवैलिड एक्सप्रेशन और रिजल्ट इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, तो जो भी पॉप के ऊपर आपके पास जो चीज पड़ी हुई है उसको क्या करो रिजल्ट में वापस भेज दो, हमने ऊपर बनाया था, ये रहा हमारे पास रिजल्ट, ठीक है, हम इस रिजल्ट के अंदर इसको ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, हम किस में ऐड करते जा रहे हैं अपने इसको, जो भी हमें करेक्टर मिलते जा रहे हैं उस पर जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते जा रहे हैं वो हम रिजल्ट में ऐड करते जा रहे हैं। कहां तक पहुंचे थे हम, ठीक है, यहाँ पे अब हमारा मेन मेथड आ गया, ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। अब ये कह रहा है कि स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय parenthesis c की पावर d माइनस e और क्लोजिंग parenthesis दैट्स पावर f प्लस g मल्टीप्लाई बाय h क्लोजिंग parenthesis माइनस i। ये हम एक्सप्रेशन इसको दे रहे हैं, हम कोई और एक्सप्रेशन भी दे के देख लेंगे। अब ये कह रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो हमने क्या किया ये एक्सप्रेशन को ये पूरे का पूरा हमने पास कर दिया यहाँ पे, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट जनरेट हो गया है देखें a b c d की पावर e माइनस, देखिए पहले वो प्रेसिडेंस इसकी दे रहा है फिर माइनस की एफ जी, क्यों, क्योंकि ये इसकी प्रेसिडेंस से उठा रहा है, यानी कि आपके पास जो पैरेंथेसिस है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, तो सबसे पहले उसने क्या किया सी और डी की पावर, सबसे पहले ये सॉल्व करेगा, ठीक है, सबसे पहले सी और डी की पावर सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद इस ई को सॉल्व करेगा, देखें उसकी जो भी वैल्यू आएगी इसकी उसमें से माइनस ई में से माइनस ई में से उसको माइनस करेगा, उसके बाद जी और एच को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये देखें जी और एच को मल्टीप्लाई क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, और इसको प्लस कर देगा एफ के अंदर, उसके बाद है आपके पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये जो भी वैल्यू बनकर आई है ये आपस में ये इसकी पावर है ना, देखिए प्लस होने के बाद तो फिर ये पावर यूज होगा, तो ये कहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया है यहाँ पर इसका और जो इनका जो रिजल्ट आया है यहाँ तक इसकी पावर ये है, ठीक है, यानी कि इसकी जो पावर है वो ये वैल्यू होगी, फिर उसके बाद जो भी ये वैल्यू इसका जो रिजल्ट जनरेट होकर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, ठीक है, और उसके बाद माइनस होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस होगा उस वैल्यू में से, ठीक है, आई उसमें से माइनस होगा,
और आखिर में आपके पास बच गया ए। ये प्लस जो है ना, ये ए का था और उसके बाद इसने माइनस को लिया, हालांकि मेरे ख्याल में पहले माइनस को लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये बी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस होगा ए के अंदर, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आई में से माइनस हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है आपके पास। इसका हम कोड करके देख लेते हैं हमारे पास कि हम किस तरह से एक इनफिक्स को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने क्लास बनाते हैं, सॉरी पैकेज बनाते हैं। पैकेज है हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। ठीक है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हमारे पास पैकेज बन गया और इसके अंदर हम क्लास बना लेते हैं, इनफिक्स ही बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक क्लास बना ली इनफिक्स की और इसके अंदर हमने सबसे पहले स्टैटिक इंट डीआरईसी, इसके अंदर हम ले रहे हैं कैरेक्टर पीएच स्विच ले रहे हैं हम, एच के अंदर हम ले रहे हैं केस, पहला केस है हमारे पास प्लस केस माइनस, कोई डबल कॉलन लगता है। ठीक है, ये माइनस तो क्या करो, रिटर्न कर दो वन। ठीक है, अगला केस है हमारे पास, चलो ऐसे ही सही। अगला केस है हमारे पास मल्टीप्लाई का, इससे अगला केस है कैसे डिवाइड का, और अगर हमें तो रिटर्न कर रहे हैं आपके पास क्या चीज, अगला केस है हमारे पास पावर का, तो हम रिटर्न कर रहे हैं आपके पास क्या थ्री। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं रिटर्न, अगर तो इनमें से कोई भी नहीं है तो माइनस वन। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये तो हमारे पास पहला मेथड हमने लिख लिया जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं प्रेसिडेंस फाइंड कर रहे हैं। एक दो तो ये वाली, ठीक है, अब हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग इनफिक्स टू हम लेंगे स्ट्रिंग एक्सपी अच्छा हमने ये लिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं स्ट्रिंग एक्सप्रेशन स्ट्रिंग रिजल्ट बनाया हम, न्यू स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे, और इसको फिलहाल एम्प्टी छोड़ रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमने स्टैक बनाया ये वाला, इसमें हम ले रहे हैं करेक्टर, ये इसका हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया,
ठीक है, हमने करेक्टर बना लिया यहाँ पे। करेक्टर बनाने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, फोर का लूप लिखेंगे। int I is equal to 0, I less than expression जो हम ऊपर हमने लिखा है expression dot length, ठीक है। प्लस 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 पहले हम कर रहे हैं, ये भी आपको यह समझ में आ गया होगा पोस्ट विथ एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, करेक्टर हमने एक बनाया, एक्सप्रेशन हमने उसके अंदर ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास इंट इंडेक्स पे हम उसको बताएंगे, इससे हम इंट इंडेक्स ले सकते हैं उसका, ठीक है। ये हमारे पास जो मेथड है ये करेक्टर का है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड है, ठीक हो गया। अच्छा यहां तक लिख लिया हमने, उसके बाद हम अभी इसका मेथड लिखेंगे, करेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, ठीक है। ये हमने आपको याद होगा इस, ये इसका प्री डिफाइंड मेथड है, इसको हम सिर्फ वैल्यू पास कर देंगे और हमने करेक्टर सी इसको पास कर दिया, सी इसको हमने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे हैं रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब हमारे पास else if, else if के अंदर हम करेंगे सी इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस हम उसमें लेके आ रहे हैं, उसके बाद हम स्टैक डॉट पुश, हमने स्टैक का जो मेथड बनाया उसमें हमने सी तो क्या हमने कैपिटल सी लिखा हुआ, हमने क्या बनाया यहाँ पे सी तो बनाया, फिर ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, ये तो यहां तक सही चल रहा था, अच्छा ये बाहर आएगा, अच्छा ये फोर के लूप के अंदर ही जाएंगे, तो अब सही है, ठीक है। ये स्टैक डॉट पुश सी हो गया, उसके बाद फिर एल्स इफ सी इज इक्वल टू क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। और उसके अंदर फिर हम इसके अंदर एल्स के अंदर हम वाइल का लूप लगाएंगे जो कि हमें कुछ बताएगा, while का लूप इज नॉट इक्वल टू स्टैक डॉट इज एम्प्टी, और एंड कर लगाएंगे स्टैक डॉट पीक, ठीक है। स्टैक डॉट पीक इज नॉट इक्वल टू जब तक ये इसके इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। अच्छा उसके अंदर ही फिर हम इसके अंदर इफ का स्टेटमेंट लगाएंगे, स्टैक डॉट इज एम्प्टी एम्परसेंड स्टैक डॉट पीक not equal to in braces,
उसमें हम रिटर्न कर देंगे क्या इनवैलिड एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करें एल्स स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, स्टैक डॉट पॉप हो गया। उसके बाद फिर हम एल्स लगाएंगे, ऊपर वाला एल्स है ये, उसके अंदर व्हाइल स्टैक डॉट इस MPT equal to PREC, PREC के अंदर हम लगाएंगे stack dot फाइल के अंदर हम लिख रहे हैं इफ स्टैक डॉट इक्वल टू, तो उसमें क्या करेंगे रिटर्न इनवैलिड एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां तक तो हो गया, इसमें हम एक चीज और लिखेंगे रिजल्ट, क्या लिखेंगे स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, और हम स्टैक डॉट पुश कर लेंगे यहाँ पे, ये स्टैक डॉट पुश के बाद हम यहाँ पे वाइल का स्टेटमेंट लगाएंगे, वाइल के स्टेटमेंट में हम लिख रहे हैं स्टैक डॉट इस एंटिटी if tag dot seek तो हम रिटर्न करवा देंगे invalid expression, और उसके बाद हम कर रहे हैं result stack dot pop और रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका मेन का मेथड, मिसिंग हो रही, क्या कह रही है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट कहां पे, रिटर्न लिख तो दिया, मेन मेथड लिखते हैं हम यहां पे, देख लेंगे string ext is equal to, यहाँ पे हम कोई भी मेथड जो अभी हम लोगों ने लिखा था वही एक्सप्रेशन देते हैं, ap multiply by t exponential d minus e की power f plus g multiply by h माइनस आई, और हम इसको कर देते हैं यहाँ पे इन फिक्स्ड कोर्स एक्सप्रेशन ई एक्स डी एम एक्सप्रेशन, ठीक है।
ठीक है, इसको रन करके देखते हैं ये एरर कहाँ पे आ रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है, तो हम देखते हैं इसको कहाँ पे, ये तो कंप्लीट है। इसके बाद कौन सा हमने रिटर्न नहीं करवाया है, स्ट्रिंग बनाया है हमने कैरेक्टर रिजल्ट, रिटर्न करवा दिया हमने इनवैलिड ऑपरेशन स्टैक डॉट पॉप। ये आ गया हमारे पास स्टैक डॉट पॉप, एल्स रिटर्न करवा दिया हमने इनवैलिड ऑपरेशन। यहाँ पर भी रिटर्न करवा दिया है इनवैलिड एक्सप्रेशन रिजल्ट और रिटर्न।